नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर आईपीएल 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल में चौथी बार चैंपियन बनी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को कितने करोड़ रुपए मिले हैं। तो साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की रकम देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस कौन सा खिलाड़ी जीता है और उन्हें कितने करोड़ रुपए मिले हैं। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी CSK की शानदार जीत से खुश है तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। और साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, इस फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टॉस हारी, लेकिन पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था चेन्नई सुपर किंग्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और इसका पूरा फायदा उठाया ऋतुराज गायकवाड़, फेफ डुप्लेसिस, रॉबिन उथप्पा और मोइन अली ने। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज़्यादा फेफ डुप्लेसिस ने 59 गेंदों पर 86 रनों की पारी खेली, तो वहीं पर मोइन अली ने 20 गेंदों पर 37 रन बनाए। तो वहीं पर रॉबिन उथप्पा ने 15 गेंदों पर 31 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 27 गेंदों पर 32 रन बनाए और टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 192 रन बनाए। वहीं पर लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। टीम का पहला विकेट 91 के स्कोर पर गिरा और 125 रनों तक पहुंचते 8 विकेट गंवा दिए थे कोलकाता ने। वहीं पर आखिर में लकी फर्ग्यूसन के 11 गेंदों पर 18 और स्वयं मावी के 13 गेंदों पर 20 रनों की पारी की बदौलत टीम निर्धारित 20 ओवर में 165 रनों तक पहुंच पाई, लेकिन जीत से वो फिर भी 27 रन दूर रह गए और चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार चैंपियन बन गई आईपीएल के इतिहास की। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार किस टीम को कितने करोड़ रुपये मिले हैं आईपीएल 2021 की जीत से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार फाइनल मुकाबले में किन खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और उन्हें क्या इनाम मिला। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच। तो इस फाइनल मुकाबले में सबसे बेहतरीन कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा ने, जिसके लिए उन्हें 1,00,000 रुपये इनाम के मिले हैं। रविंद्र जडेजा ने आज बेहतरीन फील्डिंग की थी। तो वहीं पर दूसरा इनाम सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच रहे रॉबिन उथप्पा, जिन्होंने शानदार 15 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली, जिसके चलते इन्हें भी 1,00,000 रुपए मिले। वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच। तो यहां पर फाइव डुप्लेसिस ने पूरे गेम को पलट कर रख दिया था, जिसके चलते इन्हें 1,00,000 रुपये मिले। वहीं पर इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वेंकटेश अय्यर को अन अकेडमी लेट्स ग्रेट प्लेयर घोषित किया गया, उन्हें भी यहां पर 1,00,000 रुपये मिले। इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और अर्धशतक जमाया था और साथ ही इन्होंने पावर प्ले में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस भी किया था, जिसके चलते ग्रेट पावर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। इसके लिए भी इन्हें 1,00,000 रुपये मिले। यानी कि आज वेंकटेश अय्यर का फाइनल में भी एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस रहा। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अब स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल असिस्ट ऑफ द मैच। तो यहाँ पर फेफ डुप्लेसिस की शानदार पारी को चुना गया और इन्हें 1,00,000 रुपए मिले। इनका परफॉर्मेंस आज के मुकाबले में काफ़ी शानदार रहा था, जिसके चलते इन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया और 5,00,000 रुपए का इनाम मिला। यानी कि आज सबसे ज़्यादा इनाम पाने वाले बल्लेबाज फेफ डुप्लेसिस रहे, जिन्होंने बेहतरीन पारी खेलते हुए यहाँ पर फाइनल जिताने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वहीं पर दोस्तों, अब हम पूरे सीजन के इनामों की बात करें तो फेयर प्ले अवार्ड जीता राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। तो वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन की। तो ये बने ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाए। इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आईपीएल 2021 का 10,00,000 रुपये। वहीं पर इसके बाद वीवो परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन की बात करें तो यहाँ पर 10,00,000 रुपये मिले हैं रवि बिश्नोई को, जिन्होंने KKR के खिलाफ मैच नंबर 21 में शानदार कैच पकड़ा था, जिसके चलते इन्हें 10,00,000 रुपए मिले हैं। वहीं पर दोस्तों, सुपारी सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बने सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर ने इस साल 168 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, जिसके चलते इन्हें चुना गया सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन और 10,00,000 रुपये मिले।
वहीं पर ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन बने हर्षल पटेल, जिन्होंने काफी शानदार गेंदबाजी की इस बार और 32 विकेट चटकाए, जिसके चलते इन्हें यहां पर चुना गया ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन। तो वहीं पर इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की, तो यहाँ पर बने हैं केएल राहुल, जिन्होंने 30 छक्के लगाए और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के चलते इन्हें भी 10 लाख रुपए मिले हैं। तो वहीं पर पावर प्लेयर ऑफ द सीजन की बात करें, यानी कि क्रेट पावर प्लेयर, जिन्होंने पावर प्ले में काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की है, वो है वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने बल्ले से कमाल किया और दूसरे फेज में शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते इन्हें भी 10 लाख रुपये मिले। वहीं पर पर्पल कैप की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकेट हर्षल पटेल ने लिए थे, जिन्होंने 15 मुकाबलों में 32 विकेट लिए, जिसके चलते उन्हें चुना गया है पर्पल कैप का विजेता और 10 लाख रुपए मिले। इसके बाद ऑरेंज कैप की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑरेंज कैप का खिताब अपने नाम किया। 635 रन बनाए इस साल 16 इनिंग में, जहाँ इन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतक लगाए, जिसके चलते इन्हें ऑरेंज कैप मिला और इन्हें 10 लाख रुपए मिले। हालांकि फेफ डू प्लेसिस ऋतुराज गायकवाड़ से ज़्यादा पीछे नहीं थे, सिर्फ 2 रन ही पीछे थे 633 रनों के साथ, दूसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 पर ऋतुराज गायकवाड़ रहे। वहीं पर दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे वैल्यूबल प्लेयर की, जिन्होंने इस साल बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, सबसे शानदार वो रहे हैं हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट लिए, जिसके चलते इन्हें 10 लाख रुपए मिले हैं। वहीं पर अब हम बात करते हैं रनर अप टीम की, यानी कि उपविजेता टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 12.5 करोड़ रुपये दिए गए। रनर अप टीम रही है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि IPL के अपने तीसरे खिताब से सिर्फ एक कदम दूर रह गई और इन्हें यहाँ पर फाइनल मुकाबले में चेन्नई के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर उपविजेता टीम के चलते इन्हें 12.5 करोड़ रुपए का चेक मिला। वहीं पर अब हम बात करते हैं विजेता टीम की, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की, जिन्होंने IPL 2021 का खिताब अपने नाम किया। तो चेन्नई सुपर किंग्स को 20 करोड़ रुपये दिए गए, साथ ही IPL 2021 की ट्रॉफी भी। चेन्नई सुपर किंग्स की ये IPL की चौथी ट्रॉफी है और साथ ही इन्हें चेक 20 करोड़ रुपए का भी मिला है। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने तो शानदार परफॉर्मेंस करते हुए IPL 2021 का खिताब जीत लिया है, लेकिन आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का रहा है? आपके हिसाब से अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम कमेंट करके जरूर लिखें। और साथ ही क्या आप भी महेंद्र सिंह धोनी को अगले साल खेलते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।